आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जो एक कड़क आवाज और रोबीली शख्सियत की धनी है। आवाज भी है आज एक नजर में या है ये दिल को दोहरा रही है जैसे फदाएं भूली हुई दास्तां। नजर ने या है ये दिल को गुमान दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली हुई दास्तां। इन्होंने बहुत फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन इनकी कुछ फिल्मों में इनके निभाए किरदार आज भी आपके जहन में छपे हुए हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें सुरेश ओबेरॉय की। सुरेश ओबेरॉय का जन्म क्वेटा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बाद में उनका परिवार भारत आ गया। भारत में सुरेश ओबेरॉय का परिवार पहले अमृतसर में रहा और उसके बाद हैदराबाद चला गया। परिवार का अपना व्यवसाय था, लेकिन बचपन से ही सुरेश ओबेरॉय को एक्टिंग का चस्का लग गया था। कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद सुरेश ओबेरॉय चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे थे। तभी फिल्मों में जाने का ख्याल आया और इस तरह से सुरेश ओबेरॉय ने कोशिश करके फिल्मों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। सन 1979 की बात है। फिल्म कर्तव्य में धर्मेंद्र और रेखा के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के निर्देशक थे मोहन सहगल। कोई आएगा लाएगा दिल साथे, तकिरे में तो नाचूंगी गाऊंगी दिन रे। कोई आएगा हो लाएगा दिल साथे, तकिरे में तो नाचूंगी गाऊंगी।
बाद सुरेश ओबेरॉय को 1979 में ही एक और फिल्म मिली जिसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया। ये फिल्म थी रविकांत नगाइच की फिल्म सुरक्षा। मौसम है गाने का बजाने का सुनाने का हंसने का हंसाने का रातों को जगाने का नैनों में समाने का ये जीवन ये दुनिया सपना है रे दीवाने का ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। छोटी मोटी भूमिकाओं के बाद सुरेश ओबेरॉय को अपने करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म मिली और ये फिल्म थी यशराज फिल्म्स की काला पत्थर। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार थे। धूम मचे धूम आज की रैना भर हुए तक जागे जवान धूम मचे धूम आज की रैना भर हुए तक जागे जवान सुबह तक हम कहे कहानी झूमती धड़कनों की जुबानी धूम मचे धूम आज की रैना भर हुए तक जागे जवानी धूम मचे धूम अब सुरेश ओबेरॉय की फिल्मों में जगह पक्की हो गई थी। इस दौरान 80 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं, जैसे एक बार फिर, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूले की एक और फिल्म आई एक बार कहो। सन 1980 की ही एक और फिल्म का जिक्र करना जरूरी है। ये फिल्म थी प्यारा दुश्मन।
एक ढूंढो मिलते हैं हजारों हुस्न वाले कम नहीं। लाखों हैं गुलाब गुलसिता में तू न हो तो हम नहीं। जवां है तो क्या है हसी है तो क्या है तू समझी तू खुदा है। एक ढूंढो मिलते हैं हजारों हुस्न वाले कम नहीं। लाखों हैं गुलाब गुलसिता में तू न हो तो हम नहीं। जवां है तो क्या है हसी है तो क्या है तू समझी तू खुदा है। जवाब हाथ से बात का जवाब बात से प्रीत का जवाब प्रीत से और गीत का जवाब गीत से। सुरेश ओबेरॉय की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी याद दिला दें कि सन 1990 के जमाने में एक फिल्म आई थी यादों का मौसम। इस फिल्म के इस गाने में सुरेश ओबेरॉय की कड़क आवाज सुनने को मिली थी। वो भीगे बाल वो भीगा बदन वो भीगी भीगी हर धड़कन वो गाल आया में डूबे हुए से लड़ते हुए वो आंखें सोई सोई सी वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम इस दिल से क्या नाराज हो तुम। Yeah.
शहजादी हो। आज भी चरित्र अभिनेताएं निभाना ही सुरेश ओबेरॉय का मुकद्दर था और एक के बाद एक वो कई फिल्में करते चले जा रहे थे। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में वो नजर आए, जैसे सन 1984 में शराबी में, सन 1982 में नमक हलाल फिल्म में भीम सिंह की भूमिका उन्होंने निभाई थी, तो सन 1981 में फिल्म लावारिस को याद कीजिए और याद कीजिए इस गाने को। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आ खुदा है यारो। आ खुदा है यारो। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हाँ वही पालेगा। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हमको हर मोड़ पे हर जुल्म से बचा लेगा। अपने बंदों से, अपने बंदों से कहां कब वो जुदा है यारो। जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आ खुदा है यारो। आ खुदा है यारो। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, हाँ गुजर जाता है। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है। अनगिनत रूप में, अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारो। जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो।
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आपको बता दें कि सन 1985 में फिल्म मिर्च मसाला के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड था। सुरेश ओबेरॉय का जिक्र किया जाए तो फिल्म एतबार अनायास ही याद आ जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एक बेहतरीन किरदार निभाया। सन 1982 फिल्म कामचोर। चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे। सात रंग सात सुर आज मिले साथ रे, बजने लगी बांसुरी जमने लगी बात रे। भीगी भीगी पवन सारी, भीगी भीगी पवन सारी के आई होली आई रे। मलबे गुलाल मोहे, मलबे गुलाल मोहे, आई होली आई रे। सुरेश ओबेरॉय इम्तियाज अली की फिल्म सोचा न था में एक किरदार में नजर आए थे। जब भी मिले हम ऐसा लगा फिर मिलेंगे नहीं। फिर भी न जाने किसी बहाने मिलते गए हम तो, मगर कहीं ना कहीं जब आज कोई नहीं है बहाना, फिर क्यों ठहर जाए कदम यही हो तुम मेरी कोई नहीं। मैं जानता हूं मगर हो जब मेरी कोई नहीं, क्यों लगती हो मुझको पराई नहीं। सुरेश ओबेरॉय के बेटे विवेक ओबेरॉय फिल्म साथिया के जरिए फिल्मों में कदम रखा था। एक बेहतरीन कलाकार और एक जिंदा दिल इंसान सुरेश ओबेरॉय को हम दे रहे हैं बहुत सारी बधाइयां उनके शानदार करियर के लिए। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सुरेश ओबेरॉय पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।